तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी क्रेजी रहने वाली है एंड काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने यार BMX News को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है स्काउट वर्सेस बस्टर्स को लेकर। तो आप लोगों को भी पता ही है, जो स्काउट है उन्होंने रिप्लाई करा था एंकी बॉट की एक स्टेटमेंट के ऊपर। एंड इसके बाद हमारे को आगे की चीजें देखने को मिली, जहां पे जो एंकी बॉट है उन्होंने एक पोस्ट को रीशेयर करा जहां पे वो स्काउट के साथ थे। वहां पे उन्होंने लिखा था ओनली लव, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद जो स्काउट है उन्होंने स्ट्रीम करी थी, तब वहां पे उन्होंने बात करी थी कस्टर्स के बारे में, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। मेजी मेजी क्या हो गया, क्या कर दिया मेजी ने? यार मैंने पहले बोला गाइस ये सब चीजें, फिर मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं अब चीजों से दूर हट चुका हूं। मैंने कहा इतना इनसे ओपिनियन दे दिया, फिर आगे जो देना होगा मैं बोल दूंगा। आगे कोई मेरे को काउंटर वाउंटर पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैंने आप लोगों को बोल दिया था, एक मैंने पहले भी, मेरे को जब तक कोई कुछ उंगली नहीं करेगा मैं नहीं बोलूंगा। मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, दुनिया में मर जाओ, रो दो, घर वार बेच दो, तुम्हारे घर पर दिक्कत आ गई है। पहले वाला स्काउट हेल्प करता था, अब घंटा हेल्प में करेगा, जाओ सड़ो मरो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। बहुत कर दिया इन लोग को हेल्प, वो तो ना चूतों को हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में, इन जनरल बोल रहा हूँ बात है। हेल्प करो ऐसे लोगों को जो अच्छे हो। तो नहीं नहीं वैसे नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव माहौल का मैं बात नहीं करना है। मैं देखो ये सब जो कास्टर्स वास्टर्स बोलते हैं ना ब्रो, मैंने इन लोगों को 2018 से देखा हुआ है। असीम द जर्नी, मुझे पता है जेन्युइन कौन है, कौन कैसा था पहले। अब लोग अपना को बड़े सोचते हैं, ये चीज़ है, बहुत सिंपल है ब्रो, बस वही चीज़ है। हम लोग कभी अपना को बड़े नहीं सोचते, हम लोग अपने सबको अपने भाईचारा मान के चलते हैं। जितने लोग कास्टर ऐसे तीन साल पहले देखोगे कौन किधर थे, तो इन लोग कैसा कि इन लोग थोड़ा सा कुछ आते हैं अपने आपको सोचते हम भाई राजा है। नहीं हो भाई कोई राजा, कोई राजा है ही नहीं। मिलकर हो, गुंड पंगे मत लो किसी से भी। ये जो बहुत टाइम से था कि कास्टर्स लोग बहुत अननेसेसरी कमेंट डालते थे सब पे, तो इसलिए मैंने कल एक बोला कि भाई मत करो ये चीज, अपने काम धंधे से मतलब रखो। स्ट्रीमिंग करो तो अपने काम के बारे में बात करो, क्लाउट और एंगेजमेंट के लिए और व्यूज मिंट करने के लिए इधर उधर पे कमेंट देकर क्या मतलब। इन जनरल चीज़ यार, किसने बोला नहीं बोला, मेरे को मेरा जो ओपिनियन मैंने दिया यार, मेरे को नहीं पसंद भाई मेरे बारे में फालतू उल्टा सीधा बोले। एंड इसके बाद जो फिक्स है, जब वो लाइव आए थे तो काफी लोग उनसे इसी चीज से रिलेटेड बोल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने जो एंकी बॉट है उनका POV भी बताया था, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। टीम जीरो ने एंकी की बात मोटिवेशन की तरह ले ली, आज फोड़ दिया, आज जोन भी बहुत अच्छा था। एंड एंकी ने वैसा कुछ खराब बोला नहीं था, आई वॉज लिसनिंग टू द एंटायर ब्रॉडकास्ट। इट इज जस्ट आप क्या बोल सकते हो, इट्स जस्ट अ प्ले बाय प्ले टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो वो वाली बात थी, और उसके बाद भी आई थिंक जब टीम जीरो ने गॉड्स रेन को मारा भी था, आई एम प्रिटी श्योर आपने नोटिस किया होगा, तो बोला कि टीम जीरो जीरो से हीरो बनते हुए, सम वर्ड लाइक दैट, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मेरी कल मुलाकात हुई थी, एंकी से बातचीत किया था, इट्स लाइक कि मेरे को कोई किसी को ऑफेंड नहीं करना है। तो सेम चीज़ है यार, इट्स लाइक क्या बात करते हैं कि यू नो टाइम क्या लगता है, सॉरी मैसेज आ गया था। अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग क्या करते हो प्रोफेशनली? काफी लोग जो अल्ट्रॉन है उनसे पूछ रहे थे कि हमारे को अब दोबारा 8 बिट के लाइनअप के साथ खेलते हुए दिख सकते हो, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। अब 8 बिट ज्वाइन नहीं कर सकते क्या रौनक को रिप्लेस करके? नहीं। इसके बाद हम बात करें हाइड्रा ऋषभ के बारे में, तो कल उन्होंने एक क्लिप चलाई थी जहाँ पे हमारे को फाइट देखने को मिली थी हाइड्रा वर्सेस टीम टुगेदर स्पोर्ट्स, एंड वहाँ पे हमारे को उनके जो एक प्लेयर है जिनका नाम है सेवी प्लेस, उनसे रिलेटेड उन्होंने बात करी। तो वहाँ पे उन्होंने एक डेथ रिप्ले दिखाया था सेवी प्लेस का, एंड बेसिकली वो क्लिप उनको सस लग रही थी क्योंकि आगे उनको स्मोक देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। चार टीम हील बैटल कर रही है, दो ही टीम जोन में, ठीक है। डोरा ने एक और किल ले लिया, अभी देखो स्प्लिट हो जाएंगे। स्टारबोर राइट में, स्टारबोर देखो कहां पे, पत्थर पे, ठीक है, ठीक है गाइस। अब स्प्रे गॉड को इन्वेडर ने नॉक दे दिया, वैसे ही नॉकआउट कर दिए जाएंगे। टीम टुगेदर ने नंबर्स को इक्वलाइज किया, एक और स्प्रे इन्वेडर का, और अब हाइड्रा की पर्सनल स्प्रे, यहीं पे फक हो गया गाइस सिचुएशन। बट अभी भी सिचुएशन हाथ में आ सकती थी क्योंकि स्पर्स पहुंच गया था इस लड़ाई के अंदर। ये स्पर्स को स्पर्स ने लो भी कर दिया, इन्वेडर नीड कर रहा था, वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखना, ये है टीटी सेवी प्लेस, ये सोइकर, ठीक है। यहाँ पे इनके आगे दो स्मोक है गाइस, ये देखो, ठीक है, दो स्मोक है। अभी स्टार बॉय यहाँ है पत्थर के पीछे, और इनके आगे स्मोक है, ठीक है। अभी देखना, स्टार बॉय को नॉक दे दिया सेवी प्लेस ने। अभी तुम यहीं रुको, यहीं रुकना गाइस, यहीं तक देखा ना तुमने, दिखाता हूँ
अबे कोल रुको गाइस, यहाँ देखना गाइस, मतलब मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा, पता नहीं अब सामने वाले के पीओवी में क्या पता ना हो, ये नेड किया ठीक है, आगे स्मोक है इसके, देखो ये स्मोक है और स्टार में पत्थर के पीछे है ठीक है, स्टार बॉय नॉक, देखो स्मोक के ऊपर से पत्थर जरूर दिख रहा है पर स्टार बॉय भाई कहां से पीक कर रहे वो नहीं दिख रहा है ठीक है, यहां देखो तुम एक बार ठीक है, वो पत्थर दिख रहा है स्मोक के ऊपर से वो मैं देख रहा हूं ठीक है, बट स्टार बॉय किधर से पीक कर रहा है वो नहीं दिख रहा है, देखो पहले उधर खोला था क्रॉसर फिर इधर गया है, मतलब क्या पता उनके लिए स्मोक ना हो है ना, बट स्टार बॉय के एंगल के लिए इधर पूरा स्मोक था, अब पता नहीं यार गाइस होता है कभी कभी भाई, जो है मैं वही दिखा रहा हूं बाकी मैं कुछ बोल नहीं रहा इस चीज़ पे क्योंकि सामने वाले का पीओवी अलग होता है, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है कभी कभी है ना गाइस, वही बात है, तो जो है वही दिखा रहा हूँ मैं बाकी तो मतलब एडिस के बाद जो सेवी प्लेज है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर पीओवी डाला था, तो उनका जो पीओवी है वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, आप लोगों को यार दिख गया होगा कि ये क्लियरली जो बंदा है वो वहां पे शो हो रहा है, तो इसमें यार कोई भी एलिगेशन नहीं है, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख लो, पता देड़ी है गॉड नेट कर कैसा कर नेट कर के बाद काफी लोग जो अल्ट्रॉन को डेड प्लेयर भी बोल रहे थे, तो इस चीज के ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो, बताओ इन चादर मोड़ो को जो बोलते हैं अल्ट्रॉन इज अ डेड प्लेयर क्या, ठीक है यार हमने 4 साल ई-स्पोर्ट्स में गुजारा भी है, 4 साल ई-स्पोर्ट्स में गुजारना T1 में और उसके बाद वो डिसीजन गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं बाकी लोगों की वजह से हमारी इमेज गिर गई, वरना तो यार हमने ठीक है हमने अच्छा फाड़ा, लोग हमारी जो सैलरी आज से 2.5 साल पहले होती थी, 2 साल पहले होती थी, 2.5 साल पहले, वो अब है प्लेयरों की, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही है प्लेयरों की उससे, बट मोस्टली वही चल रही है, बस 20% प्लेयरों की ज़्यादा होगी, तो ठीक है हम जब लोग कुछ भी नहीं थे हम बहुत ऊपर थे, अब धीरे धीरे दौर बदलता टाइम बदलता है भाई, बस वही है अभी एक बार कमबैक होने की बारी है, फिर थोड़ा एक बार सेट हो गए कहीं पे या टीम सेट हो गई कहीं पे फिर तो मैट सही है यार, टाइम सेम तो वैसे भी नहीं रहता। इसके बाद काफी लोग जो अल्ट्रॉन है उनसे पूछ रहे थे आपके स्काउट के साथ कैसे रिलेशन है, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा एंड इसके साथ में उन्होंने बताया था कि काफी लोगों से उनकी फाइट भी हो रखी है, लेकिन इस चीज से रिलेटेड वो कभी बाद में बात करने वाले हैं, तो उन्हें इस पे हिंट देते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो, भी सीख मिली है जो हमने दुनियादारी से सीखा वो भी सीख मिली है, हमसे भी गलती हो गई, ऐसा थोड़ी है यार मैं परफेक्ट था एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे में भी कमियां थी ठीक है, मतलब बकचोदी थोड़ी ज़्यादा थी, तो ठीक है इंसान सीखता है, थोड़ा हमारा हमने भाईचारा भी बहुत निभाया है, वो चीज़ भी हमने गलती करी है, सबके साथ नहीं निभानी होती है, अभी 21 साल के सीख रहे हैं यार, लाइफ है बताओ इन चादर मोड़ों को जो बोलते हैं अल्ट्रॉन इज अ डेड प्लेयर क्या, ठीक है यार हमने 4 साल ई-स्पोर्ट्स में गुजारा भी है, 4 साल ई-स्पोर्ट्स में गुजारना T1 में और उसके बाद वो डिसीजन गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं बाकी लोगों की वजह से हमारी इमेज गिर गई, वरना तो यार हमने ठीक है हमने अच्छा फाड़ा, लोग हमारी जो सैलरी आज से 2.5 साल पहले होती थी, 2 साल पहले होती थी, 2.5 साल पहले, वो अब है प्लेयरों की, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही है प्लेयरों की उससे, बट मोस्टली वही चल रही है, बस 20% प्लेयरों की ज़्यादा होगी, तो ठीक है हम जब लोग कुछ भी नहीं थे हम बहुत ऊपर थे, धीरे धीरे दौर बदलता टाइम बदलता है भाई, बस वही है अभी एक बार कमबैक होने की बारी है, फिर थोड़ा एक बार सेट हो गए कहीं पे या टीम सेट हो गई कहीं पे फिर तो मैट सही है यार, टाइम सेम तो वैसे भी नहीं रहता। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।